लाइट यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आज के एक न्यू ब्लॉग में, जिसमें हम लोग आज जा रहे हैं अमरकंटक। गाइस, काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और हमारे फ्रेंड लोग जो हैं, सारे ब्रदर जो हैं अपने कॉलेज तिराए के पास वेट कर रहे हैं हमारा। तो चलते हैं जल्दी से उनके पास, फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग अमरकंटक के लिए। और काफ़ी टाइम बाद काफ़ी मज़ा आने वाला है, और YouTube पे काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं आई है, और बहुत सारी चीज़ें प्लान हुई हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें करेंगे। आप लोग बस बने रहो और थोड़ा सपोर्ट दो, सारी चीज़ें करेंगे। और ये आगे हम लोग बस स्टैंड, बस यहाँ से 500 मीटर और है कॉलेज से रहा, इसके बाद हम लोग अपनी अमरकंटक की राइड स्टार्ट करेंगे। और बस हम लोग पहुँचने वाले हैं कॉलेज। रिएक्शन देखो गाइस, पब्लिक रिएक्शन, ओहो। और गाइस, ये रहे हम लोग के भाई लोग, और भाई क्या है, बढ़िया 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 है। दीपक तो बोला कॉलेज के पास ही हूँ। और कुछ और कितनी गाड़ी आ रही है? हाँ शुभम, हाँ बढ़िया यार भाई, तो बोल देते हाँ। एक ड्यूक, एक ड्यूक और है ना, शेड्यूल से आ रहा तो अभी शुभम। और भाई तो शेड्यूल में रहता है, शुभम शेड्यूल में रहता है। मजा आने वाला आज, मट्टू में मेरा खोपू बहुत तगड़ा, मजा आने वाला। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे। चलो चलो यार भैया। अच्छा मुकेश के भाई हो क्या? हाँ अच्छा, वही लग ही रहा था। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं अमरकंटक के लिए, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दीपक भाई को करेंगे पिक, उसके बाद निकलेंगे डायरेक्ट अमरकंटक के लिए। और काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है इस टाइम पे वहाँ पे, और फॉग भी रहेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और गाइस, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं, अपना ग्रुप और बढ़ते ही जा रहा है। ये देखो, MT RS R1 R1। सही जहर, पब्लिक रिएक्शन देखो आप लोग। और क्या ही खतरनाक सीन रहने वाला है। राइट, सुबह की ड्यूक तो
काफ़ी प्यारी लग रही है, काफ़ी ज़बरदस्त। और हमारे आगे शुभम भाई भी होंगे। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। निकल रहे हम लोग अमरकंटक के लिए। और काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। दीपक भाई आ चुके हैं, दो ड्यूक 390, एक एमटी और दो R1। ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस पब्लिक रिएक्शन चेक करो आप लोग। क्या ही खतरनाक, वो काफी शानदार। काफी ज्यादा मजा आ रहा है गाइस, काफी टाइम बाद एक लंबे ट्रिप पे निकल रहे हम लोग। ओ भाई यहाँ धूल डस्ट काफी ज्यादा रहता है, ये माइनिंग वाला एरिया है, माइंस वाला, सॉरी माइंस वाला एरिया है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। और भाई शुभम ये दो ड्यूक 390 अपने आगे हैं। दो ड्यूक 390, सुधांशु भैया की ड्यूक तो हमारा दिल ले गई यार, कुछ भी बोलो। ओ भाई धुआधार, एकदम खतरनाक वाला सीन, जहर भाई साहब, क्या ही खतरनाक। ओ भाई साहब क्या ही सीन रास्ते यार। GT थोड़ा सा ऑफ रोड पे दिक्कत करती है यार, मतलब उतना कंफर्ट फील नहीं होता है। ये देखो माइंस वाला एरिया गाइस, ये यहाँ पे पानी इसीलिए डाल रहा है कि डस्ट ना उड़े। ये देखो ये रही माइंस, ओपन माइंस। इधर के एरिया का सिर्फ माइंस की वजह से ही फेमस है। ये देखो माइंस, और ओ भाई धुआं ही धुआं हो गया पूरा, तो GoPro पे भी अपने डस्ट लग गया होगा गाइस। पता नहीं व्यू कैसा आ रहा है क्योंकि काफी ज्यादा धूल है यहाँ, और हमारे पूरा बुरा हाल होने वाला जैकेट का। और हमारा काफी खतरनाक सीन रहने वाला है।
ये देखो गाइस रास्ते, इसीलिए अपन खींच नहीं रहा। अब देखो इनकी कैसे और जीती हो जाती एक शानदार रेस, लेकिन मजा काफी ज्यादा आने वाला है। वो बाइक स्केट कर रही है, काफी ज्यादा दर्द देने लग गया गाइस। ऑफ रोडिंग में जीती नॉट बेटर, बट अगर पावर और लुक चाहिए तो फिर कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो अच्छे हो रहे वहां पे, फिर अपना रहेगा एकदम बेहतरीन वाला सीन। जबरदस्त, काफी शानदार। वो और ये हमारे मनोज भाई, और भी नए भाई लोग भी आए हैं इस ट्रिप पे, मैं उन लोग को जानता तो नहीं उतने अच्छे से, बट काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस ट्रिप का। सीन जो है काफी जबरदस्त रहने वाला है। सबसे पीछे लगता हम ही है क्या? किसी को कट मार दिए थे उस वजह से। I love this। ये देखो हैंडल बबल, हैंडल बबलिंग। सुधांशु भैया और मनोज भाई साहब, आशीष भाई हमारे काफी खतरनाक। एकदम जबरदस्त, जीटी के आगे कोई बोल सकता है क्या? टर्निंग गाइस, टर्निंग पे आप कभी भी ओवरटेक मत किया करो, काफी ज्यादा खतरनाक रहता है टर्निंग में ओवरटेक करने का। ओ भाई साहब आप देखो, ओ भाई थ्रॉटल देने से एकदम रॉकेट बन जाती हो, कहां से लाती हो इतना पावर।
पब्लिक रिएक्शन काफ़ी खतरनाक टाइप का है, और ज़्यादा यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर और बचा हुआ है अमरकंटक, और हम सुधांशु भैया को पीछे छोड़ते हुए मोटो टॉक की तरफ से जो हमारे चार्जर आता है गाइस, ये टूट चुका है, किसी ने तोड़ दिया है या फिर जो भी हुआ इसे किसी ने तोड़ दिया है। तो हमने नया ऑर्डर किया है बट उसे लगाया नहीं है, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा कोई काम तो पड़ना नहीं, इतना लंबा टूर तो मार नहीं रहे अभी, तो जब भी लंबा टूर रहेगा तो हम इससे भी लगाएंगे। और गाइस हमने कुछ लाइट फॉग लैंप वगैरह भी लगाने हैं, तो सारी चीज़ों का वीडियो आएगा जल्दी। क्या गाइस फॉग की वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, और अपनी एलईडी डली हुई है जस्ट सामने अपने जीटी पे, तो फॉग लैंप लगाना तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो कलर है उस पर, येल्लो और वाइट, तो येल्लो अपना काम कर जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, और जो भी मॉडिफिकेशन होता है अपनी जीटी में वो सारे चीज़ों के वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। गाइस पिछले बार अमरकंटक आए थे तो हमारा हेलमेट गया था, काफी खतरनाक। और इसी के साथ जीटी जीतती हुई हमारी, और ये आ गया सुधांशु भैया। शुभम गाइस टर्निंग काफी ज्यादा, नहीं तो क्या ही बताएं, इनको तो मजा ही आता, देखिए क्या ही लीन करके चला रहे हैं भाई, खतरनाक एकदम जहर। भाई साहब क्या ही, हम लीड नहीं कर सकते यार जीटी। और हम लोग ये करने वाले हैं इंटर जंगल पे। ओके सारे राइडर आगे चले गए, अब बाकी है बारी है हमारी। बट गाइस देखो एरिया, देखो यार एरिया थोड़ा सा जो है ना, यहाँ तो काफी सारे मंकी है, ये देखो काफी सारे मंकी गाइस, ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा गाइस इस ट्रिप में, और मज़ा आ भी रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सारे राइडरों से व्यू चेक करो गाइस, क्या ही व्यू आ रहा है व्यू, और सारे राइडरों से आगे हैं, और व्यू देखो आप लोग, और ये जीटी का पब्लिक, और ये मौसम खतरनाक एकदम जहर। बट देखते हैं अभी क्या ही सीन रहेगा गाइस, हम थोड़ा एक ग्लास को करते हैं ऊपर, आप देख सकते हैं अपन पीछे के पीछे का क्या सीन चल रहा है। ओ भाई 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 साहब क्या ही बोले, और ठंड गाइस जैसे इधर की ठंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ थोड़ा सा ठंड ज़्यादा रहती है, हम लोग तो काफ़ी लेट हो गए, और जल्दी आने का प्लान था तो यहाँ फॉग भी मिलता, अभी तो धूप भी निकली हुई है। और क्या सीन रहने वाला है, और भाई लोग आ रहे पीछे, वो देख सकते हैं आप लोग मिरर पे, शुभम भाई जस्ट पीछे ही लगे हुए अपने, और क्या सीन रहता है।
गाइस आज संडे राइड करने का काफ़ी मज़ा आने वाला, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर संडे को हम लोग राइड पे निकले। गाइस शॉप वगैरह तो भी काफ़ी सारी चीज़ें चलती है यार लाइफ पे, बस राइड करने की। सारी गाड़ियां लाइन अप हो चुकी हैं एकदम से खतरनाक टाइप की। चीटी है मनोज भाई की, बाकी हामिद भी सब पार्टनर बराबर मिल रहा, सब एक जैसी गाड़ी चला रहे। हामिद तो वहां से 90 से ऊपर नहीं जाता। 1 Duke 390 MT Duke 390 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
अरे गाइस, हमारे एक राइडर का आई थिंक एक्सीडेंट हो चुका है। शायद तक एक भाई का हमारे एक्सीडेंट हो चुका है कहीं पे, कॉल आई थी तो हम लोग उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। बाइक लोग संभाल के नहीं चलाते, मतलब एक दूसरे को देख के वो एकदम एग्रेसिव राइडिंग करते हैं। मतलब वो आगे निकल गया तो मैं भी निकलूं, वो इतने की स्पीड से यहाँ पे टर्न कर रहा तो हम भी करें, तो गाइस ये थोड़ा सा बेकार है। पूरी ग्रुप में किसी को कुछ हो जाता है ना यार, तो पूरा राइडिंग या फिर जितना भी मज़ा रहता ना पूरा उतर जाता है, खत्म सा हो जाता है गाइस। गाइस यहीं पे बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। ये देख सकते हैं दो लोग थे एक लोग कहाँ गए? दो किलोमीटर आएंगे तो सकरा है ना, जो हॉस्पिटल इसके पहले दर्द के इंजेक्शन लगवा सुतिया में लग गया, जहाँ पुराना चोट है। अरे घुस गया पुराना चोट में इसको लगा। अबे घुस गया भाई उसको। यही है। हाँ इनको ऊपर वाली चोट लगी भाई, इनको देख लो यार, करो मतलब खून आया? खून नहीं आया, ब्लड नहीं आया। अच्छा पेन वेन किलर ले लेते, इनको पहले ले जाओ हॉस्पिटल। गोप्रो कहाँ गया? बाकी लोग गाड़ी इधर लगाओ, इधर इधर साइड साइड लगाना, एकदम टर्निंग है यहाँ लगाओ ना, इधर इस वाले रोड में लगाओ, इस वाले तुम हम हाँ गाड़ी लगाओ नहीं ना बाबा, गाड़ी साइड लगा और कहाँ का सामान देख ना, टर्निंग नहीं ले पाया ना। देखो तो इसी में कहीं रखा, ये रखा। अरे पर तुम गाड़ी में बैठो, एक्सपीरियंस कोई आ जाए यार, पूरा ही चला गया इसका। यहाँ से घुसेड़ दिया रखा मत, ये दो पेड़ के बीच से वो वहाँ से टर्न नहीं कर पाया होगा ना, स्पीड में रहा होगा। अरे धक्का मार के स्टार्ट कर दे ना, गियर में लगा के स्टार्ट कर लेंगे ना, उठाओ ना। अंदर घूम रहा है ना इधर उधर, अबे वायरिंग वायरिंग सब टूट गई है। सुन ना वहां से ऊपर कर, नहीं नहीं यहां चढ़ा, यहां से इधर चढ़ा, वो वहां पर चढ़ जाएगा वहां से।
सीधा ले यार, स्पीड मेरा होगा, टर्न नहीं कर पाया सीधा। बताओ यहाँ से पूरी पार कर दिया। हाँ, इतने छोटे से गैप में ऊपर कितना लगा हुआ पीछे वाले। अरे ऊपर भी चला हुआ, देखो ना। अरे यही होता है ना, सब एक से एक रहते हैं तो राजश्री थूक चलता मैं पूरा थूक मारना मतलब बहुत सारी के देख तो कहीं बनता बोलता अरे भैया गलती होगी। वो किसको किसको देखे, एक निकली, दो निकली, तीन निकली, वो पूरा मुंह भरा हुआ है। सुन ना, गाड़ी तो तुम घर के तो बना ही दे ना, तो इन लोग को तो वापस भेजना पड़ेगा ना। धक्का मार के ले चलते उसको, यहाँ तक लग रहा है सक्रम बनेगी गाड़ी। अरे ये बोल रहा अगर उनको वापस भेजना, आप तो बुढ़ार भेज दो सबसे अच्छा, अनूपपुर भेजोगे फिर आएंगे वो। ऑटो में रखवा के भेज देते हैं, बुढ़ार साइड भेज दो सबसे अच्छा ऑटो में। हाँ ऑटो में टंगवा के भेज देते, चल जाओगे। हाँ बन जाए ना, इंजन को बैठना पड़ेगा पीछे और बैठना पड़ेगा। गाड़ी खड़ी है, समझ रहा है। भाई था और एक और था, वही बना देगा ना, गाड़ी चालू हो जाए वो देख लेता, चालू हो जाए तो चला के कोई ना कोई तो ले जा लेगा धीरे धीरे। इनको हॉस्पिटल में दोनों भर्ती करवा दे। भर्ती नहीं कराना पड़ेगा यार, उतना लगा नहीं, चल फिर रहे हैं। अरे गाड़ी दर्द है, ऑपरेशन हाथ उठ रहा है ना। एकदम सेंटर, इसीलिए वो पेड़ पूरा लेट गया है और सीधा घुस गया। प्रोजेक्टर निकाल ला है भी नहीं, दूसरा भला के लगा दे, समझ रही है। पूरा चेंज होगा, प्रोजेक्टर निकाल लो, प्रोजेक्टर निकाल लो, निकाल लो। हां नहीं टूट गया, मत निकाल लेकिन ये जा। अरे इंश्योरेंस में देना सब चीज, ये वाला नीचे वाला टूट गया ना, ये वाला निकाल लो। अरे पूरा दे देगा ना सेट ही, लेकिन यहाँ नहीं जबलपुर। नहीं लगा, नहीं लगा, थोड़ा बहुत। अरे टर्न किए, टर्न नहीं कर पाए, सीधा घुसा दिए खेत में। दे रहे और वो रहा, थोड़ा सा सर में लगा है। गाड़ी वाड़ी बन जाएगी, पहले तुम दिखाओ सर में लगा तो। हाँ पहले डॉक्टर को दिखाओ। चल ना, कहाँ रुका तू, कहाँ जा रहे हो? अमरकंटक। कहाँ दिखाओगे, अनूपपुर जाओगे? हाँ अनूपपुर, अनूपपुर दिखा लो पहले सर में लगे उनके, अभी समझ में तुरंत। राम राम चल गए, अभी चला राम से। क्या था गाइस कि वो टर्न कर रहे थे जस्ट बाइक, वहाँ से वहाँ पे ब्रेक मारे और बाइक कंट्रोल नहीं हो पाई और ये पेड़ को चीरते हुए सीधा इन लोग खेत पे निकल गए, सीधा खेत पे गई बाइक और बाइक का पूरा पार्ट्स खत्म हो चुका है।
ये पेड़ में देख सकते हो आप लोग को अगर दिख रहा होगा निशान, तो ये दोनों पेड़ के बीच में से निकली है बाइक, यहाँ बीच में से बीच में पे पूरा छिलाया वहाँ पे, मतलब गाड़ी बैग छोड़ दिया होगा ना, लाइन ही नहीं पकड़े, गाड़ी मुड़ी नहीं, छोड़ सीधी चल रही होगा, वही तो जैसे अपन नॉर्मली कभी मोड़ते नहीं गाड़ी, तो सीधी चली जाती है, समझ में नहीं आता।